तिथि वचनस का 21वां अध्याय उसके 30 और 31 पद को देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्सेस 30 एंड 31 यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ ना कोई युक्ति चलती है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है परंतु जय यावा यावा से मिलती, है। से मिलती है यू नो दी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ जीवन के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये नहीं होती है कि हम मर जाए जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि आप एक ऐसे जीवन को जिये जिसका कोई उद्देश्य नहीं है टू तो लिव लाइफ विदाउट एनी नो you know, जब हमारे पास में वो परमेश्वर है जो कि अति सामर्थ्य परमेश्वर है जो कुछ सब कुछ करने में सक्षम परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जिसके विरोध में कोई बुद्धि नहीं चलती जिसके विरोध में कोई कोई समझ नहीं चलती जिसके विरोध में कोई युक्ति है वो कामयाब नहीं होती वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर द ऑल पावरफुल गॉड जब वो हमारी तरफ है जो कि हमसे बेइंतेहा मोहब्बत रखता है जो कि हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है उन तमाम चीजों के बावजूद अगर हमें कैसे जीवन को जिए जो बगैर उद्देश्य का जीवन है दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है कि बिगैर उद्देश्य का आप जीवन जिए जी जबकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है हमसे बेतहा मोहब्बत रखने वाला परमेश्वर है और वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार परमेश्वर है मेरे मेरी एक आदत है और वो ये कि हर कुछ दिनों के बाद में हर कुछ महीनों के बाद में कुछ समय के बाद में मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ एंड परमेश्वर के उन कार्यों को स्मरण करता हूँ याद करता हूँ जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में पिछले सालों में मेरे जीवन में किए हैं जो बातें उसने मुझसे की जो वचन के द्वारा उसने मुझे जो शिक्षा दी जो आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में या कलिस में हुए मेरी एक आदत की मैं मुड़ता हूँ मैं थोड़ी देखकर रुकता हूँ और मैं उनको सोचता हूँ मनन करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन धन्यवाद देता हूँ फॉर ऑल दो वंडरफुल थिंग्स जो कि उसने मेरे जीवन में की मैं उसके लिए उसका धन्यवाद देता हूँ ये मेरी एक आदत है और मैं सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उन लोगों के लिए जो यीशु को नहीं जानते

है और वो सीधे मेरे बैक के ऊपर पीछे आ करके गिरती है परमेश्वर ने मेरी रक्षा की वो मुझको भी आ करके हिट कर सकती थी। नो, उसने मेरे जीवन में की है जो उसने मुझे सुरक्षा दी यू नो एक्साइटेड ये मुझे बड़ा उत्साहित करता है ये मुझे बड़े आनंद के साथ में बढ़ता है जबकि को अपने जीवन में मैं देखता हूं सेवकाई के द्वारा में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्र कलम वो कलीसिया के बीच में किए हमने देखा कैसे वो लोग सालों से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे वो ठीक होने परिवारों में बच्चे नहीं थे ने कैसे, कैसे काम दस साल पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल के, के जोड़े थे उनके पास बच्चे नहीं थे परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उनके पास बच्चे there, हैरान करने वाली बातें जो है वो प्रभु ने हमारे बीच में आकर के किए मेरे प्रभु और जो हम देखते हैं मेरे चीजों को मैं सोचता हूं कितना दुर्भाग्यपूर्ण उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर को नहीं जानते यू you नो know, पिछले दिनों की बात है पिछले हफ्ते की बात है और मेरे पास में एक अपने कलीसा की बेटी का फ़ोन आया और मुझसे कहने लगी भैया जब आप जब ने आज जब आपने घर में आना शुरू किया आज से नौ दस साल पहले सात आठ साल पहले नौ दस साल पहले की बात है जब आपने आना शुरू किया उस समय उस समय मैंने पूरी तैयारी कर ली थी आत्महत्या करने के लिए मैं पूरी तैयारी में थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी मैं जीना नहीं चाहती थी जब आपने घर में कदम रखा उस समय मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी पर जब आपने यीशु को इंट्रोड्यूस किया यीशु की शिक्षा आपने हमको दी मेरा जीवन जो है वो बदल गया हाउ अनफॉर्चुनेट कि इतने दुख की बात है कि हम संसार में रह करके यीशु को ना जानने पाए और आपको मालूम उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है उससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ये संसार में रह करके यीशु को जान तो ले और उसके बावजूद भी एक हारा वा जीवन व्यतीत करने पाए बड़े दुख होता है। हम लोग को दे, ये देख करके कि उन जीवनों को जिसने जिसको प्रभु ने छुआ उन परिवारों को जिसको प्रभु ने छुआ उन जीवनों में जिनमें बड़ी बड़ी गवाही है वो परिवार जिनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया आज वो एक हार

कितने दुख की बात है कि हम परमेश्वर को जान लेने के बाद भी जान लेने के बाद भी हम एक हारे हुए जीवन को व्यतीत करने पाए मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यीशु को हम ना जानने पाए और एक, 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 एक पर्पज फुल लाइफ को ना जीने पाए को उद्देश्य से भरे हुए जीवन को हम ना जी यह सबसे दुर्भाग्य की बात है पिछले दिनों एक फोन आया हम लोग के पास में और एक बहन कह रही थी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और ये बड़ी बड़ी उत्साहित करने वाली बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पिछले तीन दिन से मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही हूँ पिछले तीन दिन से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे so कितनी अद्भुत चीज थी course, मेरे प्यो जब हम चंगाई की गवाहियों को अपने बीच में देखते बड़े छुटकारे की गवाहियों को अपने बीच में देखते वो तो हमको बड़े खुश, खुशी देती वो तो हमको बड़ा उत्साहित करती पर उससे ज्यादा उत्साह हमको इस बात में होता है कि जब हम लोगों को परमेश्वर की पहचान में खड़ावा देखते हैं चंगाई के की गवाहियां छुटकारे की गवाहियां प्रभु ने पास कर दिया प्रभु ने

लगता है कुछ समय लगता है उस उपस्थिति को वापस आने में This is so amazing. This is so amazing. जब देखते हैं लोगों को परमेश्वर को जानते हुए जिनकी परमेश्वर के साथ में कोई मुलाकात नहीं हाउ अनफॉर्चुनेट कितने दुख की बात है पर ये कितने उत्साहित करने वाली बात है मेरे प्रियो कि हम लोगों को परमेश्वर की पहचान में हम खड़ा हुआ देखते हैं मरियमिनी का जीवन परमेश्वर ने बचा लिया मरियम मरियमिनी का जीवन बदल गया ये तो बहुत उत्साहित करने वाली बात है पर उससे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह है कि मरियम मरियमिनी वापस लौट करके आती है यीशु के के पास में बड़े महंगे परफ्यूम साथ में आती है और उस बोतल को तोड़ के यीशु के जो पैर है वो उससे धोती है अपने बालों से उसके पैर को पोसती है ये ज्यादा उत्साहित करने वाली बात है ढेर सारे लोग वो कलिशिया में रहते हैं पर वो परमेश्वर को नहीं जानते लोग वो में होने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जानते आप मेरे साथ में एक पद को देखें यर्मिया उसका नवाध्याय उसके तेईस और चौबीस पद को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यूं कहता है यहोवा यूं यू कहता है जी अपनी बुद्धि पर घमन ना करें बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमन करें ना करे ना वीर अपनी वीरता पर। ना वीर अपनी वीरता पर। ना धनी अपने धन ना पर अपने घमन पर घमन करे परंतु जो घमन करे जो घमन करे वो इसी बात पर घमन करे। घमन वो मुझे जानता मुझे जानता और समझता है समझता है की मैं ही वो यहोवा हुआ हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ इस बात पे घबन मत करो कि तुम्हारे पास में पैसा है इस बात पे घमन मत करो कि तुम्हारे पास में बड़ी बुद्धि है इस बात पे घबन मत करो कि तुम बड़े आशीषित हो इस बात पे घवन मत करो कि तुम बड़े खूबसूरत दिखते हो इस बात पे घवन मत करो कि तुम्हारा परिवार कैसा है इस बात पे घवन मत करो कि तुम्हारी जॉब और तुम्हारा बिजनेस किस प्रकार का पर अगर घमन करना है तो इस बात के ऊपर घमन करो कि तुम मुझे जानते हो तुम मुझे जानते हो और मुझे पहचान तो ये घमंड की बात है मेरे प्रियो इट इज सो अनफॉर्चुनेट सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह नहीं है कि हम मर जाए दुर्भाग्य की बात तो यह है मेरे प्रियो कि हम एक ऐसे जीवन को जिए जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम संसार में रह करके हम परमेश्वर को नहीं जाने दुर्भाग्य की बात तो मेरे प्रियो यह है कि हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम एक हारे हुए जीवन को व्यतीत करने पाए अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे और देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स ट्वेंटी वन थर्टी एंड थर्टी वन के विरोधा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ ना तो कुछ समझ ना कोई युक्ति चलती ना तो है युक्ति चलती है युद्ध के 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 दिन के लिए। के दिन के लिए लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है ही से मिलती है परमेश्वर के विरोध में कोई युक्ति नहीं है परमेश्वर के विरोध में कोई समझ नहीं है परमेश्वर के विरोध में कोई प्लान कार्य जो है वो नहीं करता परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि वो राज करता है वो करता सारी चीजों के पर परमेश्वर जो है वो प्रधान है उसकी वॉइस है उसकी आवाज है वो सारी चीजों के ऊपर हर एक बुद्धि हर एक समझ हर एक युक्ति के ऊपर हर एक कानून के ऊपर परमेश्वर की आवाज है और जो वो चाहता है और जैसा वो चाहता है किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालात में जो कुछ वो चाहता है वो उसको करने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते उसकी खलीसिया उसके

सारे कानून सारे बुद्धि सारी समझ सारी युक्तियों से ऊपर उसकी बात है जो कुछ वो चाहता है वो शो में सामर्थ्य परमेश्वर आप देखे परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय मूसा जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में छह दिन रहा करता था दस दस दिन रहा करता था चालीस चालीस दिन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था वही रहता था ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, कुछ पीता था 40 days, praises, वो फोर्टी डेज ही कंटिन्यूड इन द लॉस प्रेजेस वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो टिका रहता था पर उसके बावजूद भी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई कोई हानि नहीं हुई पर लेकिन उसके बावजूद क्या होता है जब वो उस पर्वत से बाहर निकल कर क्या था उसका चेहरा जो था उसमें से प्रकाश निकलता है और इतना कस के प्रकाश उसके चेहरे से निकलता है कि लोग उसको देख करके डर जाते एंड मूसा को अपना फेस कवर करके लोगों से बातचीत करनी पड़ती है ही इज गॉड वो सामर्थ्य परमेश्वर कोई कानून उसके अगेंस्ट में नहीं चलता कोई युक्ति जो है वो उसके अगेंस्ट में कामयाब नहीं होती मेरे पे योना जो है वो मछली के पेट में तीन दिन और तीन रात जिंदा रहने पाता है और वहां पे रह करके जब वो प्रार्थना करता है प्रार्थना करता है, है। वहां से बाहर आने पाता है परमेश्वर उसको मछली के पेट से वो बाहर निकाल करके लेकर के आ जाते हैं क्यों कैसे क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर लाजर जो है चार दिन का मुर्दा वो कबर से बाहर निकल के आ जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है क्यों कैसे क्योंकि वो परमेश्वर है और कोई बुद्धि उसके में नहीं है कोई बुद्धि उसके में ऊपर नहीं है कोई युक्ति कोई एनीथिंग कोई भी चीज उसकी बात के ऊपर नहीं है यश की आवाज परमेश्वर की आवाज वो सारी चीजों के ऊपर है सारी चीजों के पर कोई बुद्धि नहीं कोई युक्ति नहीं कोई समझ नहीं जो कि परमेश्वर के अगेंस्ट में कार्य करती है वो सामर्थी परमेश्वर आप मेरे साथ में एक पद को देखिए फिर तो काम उसका पांचवर्ड अड़तीस और उनतालीस पद को देखिए देखिये बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के लोग उसके लोग जो कि उसके नाम से कहलाते इन बातों को समझ समझने पाए और इन बातों के पहचान में वो अपने जीवन को बिताने पाए मेरे पे वो परमेश्वर जो इतना सामर्थी परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है वो हमारे

सो पद को यहां पे क्या लिखा हुआ है इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इसलिए अब मैं तुमसे अब कहता मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो जी रहूनो यहाँ पे जो जो यहूदियों की जो सेनेट थी वो बैठ करके वो डिस्कस कर रहे थे कि चेले जो हैं ये किस प्रकार का काम कर का का रहे हैं ये कौन सी चीजें हैं जो चेले कर रहे हैं पूरी सेनेट जो थी ये अधिकारी लोग जो थे ये बैठ करके चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे थे एंड उनमें से एक जन जो है वो खड़े होकर कहता है क्या कहते हैं फिर से पढ़े इसलिए अब मैं तुमसे इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ मनुष्यों से दूर ही रहो मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो स्टे अवे फ्रॉम लोगों से दूर रहो परमेश्वर के लोग इनसे दूर ही रहो ये परमेश्वर से प्रेम करते से प्रेम करतेमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार है परमेश्वर के पक्ष में इनके पक्ष में खड़े वो युद्ध को जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीस पीपल इन लोगों से दूर रहो जी क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो जी तब तो मिट जाएगा अभी काम अपने आप मिट जाएगा परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो यदि ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे तुम? उन्हें कदापि मिटा नहीं सको यदि कार्य परमेश्वर की तरफ से है तो तुम उसको कभी मिटा नहीं पाओगे कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो जी 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 यू बुद्धि की बातें ये बुद्धि की बातें ये बातें देख के जो कार्य चेले जो थे वो दिखा रहे थे जो कार्य के चेलो के जीवन के द्वारा जो हो रहे थे जो आश्रय कर्म चेलों के द्वारा हो रहे थे ये बात लोगों को परेशान कर रही थी ये बात लोगों को हैरान कर रही थी अरे ये तो मछुआरे थे ये तो अनपढ़ मछुआरे है ये तो कॉमन पीपल है ये आम से लोग थे कल तक के ये आज इस प्रकार का काम कैसे करे ये कौन सी बातें हैं जो इनके जीवन से निकल के आ रही है लोगों ने अधिकारियों ने इसको दबाने की इसको खत्म करने की कोशिश की पर एक समझदार जन इनके बीच में खड़ा होता है और कहता है देखो इनसे दूरी रहो इनसे दूरी रहो क्योंकि यदि ये कार्य मनुष्य का है तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा पर यदि ये कार्य परमेश्वर की तरफ से है तो तुम ऐसा दिखाई देगा कि तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो करके परमेश्वर से लड़ रहे हो और उससे तुमको कोई फायदा होने नहीं जा रहा है उससे तुमको कोई फायदा होने नहीं जा रहा है परमेश्वर के गेंस में कोई बुद्धि नहीं है कोई समझ नहीं है कोई युक्ति नहीं है जो तो जो जो कि कि उसके गेस में में आकर के के कार्य करती है है मेरे प्रिय हमने परमेश्वर वचन देखा जो, जो बलाक था वो वो कितना परेशान था इसराइलियों को देख करके और वो गुलाम को लेकर के आता है कि तुम इन लोगों को आकर के शापित करो क्योंकि मैं इनसे लड़ नहीं सकता दीज पीपल आर टू पावरफुल फॉर मी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बलवान

वहाँ पे मौजूद थे परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए वहां पे मौजूद थे परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के लोगों के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है कोई समझ नहीं है कोई युक्ति नहीं है जो कि कामयाब होने पाती है मेरे पिता हमने देखा हमने देखा है दूसरा राजा उसके उन्नीसवें अध्याय में हम आएंगे वहां पर हमने देखा है राजा के गेस में ये सीरियस की बहुत बड़ी सेना निकल करके आती है और ये इनको खा जाने की कोशिश में है बड़ी युक्ति के साथ में आए बड़ी चीजों के साथ में आए और आप इस जन के शब्दों को देखें यहां पे क्या लिखा हुआ चैप्टर टू तुम यहूदा के राजा जी जी से यू कहना जी वो राजा विरोधी राजा जो है वो यू कहलवा रहा है जी तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता कह रहा है, है राजा से आके कहना कि तेरा परमेश्वर जिसका, जिसका तू भरोसा करता जिसका है तू भरोसा करता है ये कह कर तुझे तुझे धोखा देने ना पाए वो पाएशलम अशूर के राजा के वश में ना पड़े जी ना अशूर का राजा कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर इसी क्या से कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको धोखा ना देने पाए कि अशूर के हाथ में तुम नहीं आओगे जी देख तूने तो सुना है देख तूने तो सुना है अश्रूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है जी? फिर क्या तू बचेगा फिर क्या तू बचेगा यहाँ पे एक राजा है जो अपने घमंड में चूर है यहाँ पे राजा है जो अपने बल में अपने सामर्थ्य में अपने जो उसने युद्ध जो उसने जीते हैं, उसमें ये बड़ा घमंड कर रहा है उसको लग रहा है यस ये भी एक और लोग हैं, ये भी एक और राज्य है और जैसे मैंने बाकी के राज्यों को हरा दिया हम परमेश्वर के लोगों को भी आकर के हरा देंगे और वहां ये भी फेल हो जाएंगे मेरे सामने जी गोजान और हरान और, और तरसारे जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया क्या उनमें से किसी भी जाति के देवता क्या उनको बचा पाए जी? हमाद का राजा जी? और अरपात का राजा जी? और सपवेम नगर का राजा जी? और हेना और इवा के राजा जी? ये सब कहा रहे कहाँ रहे ये सब कहा वो कह रहा है जी कैसे क्या, क्या तुम उस धोखे में मत रहो कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो तुमको बचा लेगा ये बड़ा हैरान करने वाला अध्याय है मैं इसमें पूरा पढ़ नहीं सकता पर मैं आपको उत्साहित करूंगा घर पे जा करके आप इस पूरे अध्याय को पढ़े और देखे कि इसके बाद में जी क्या ने क्या किया और उसके बाद में परमेश्वर जो है वो किन बातों के साथ में आते हैं कौन सी बातें वो हिजी कैसे करते हैं हम सिर्फ इसके अंतिम दो पदों को देख लेंगे पैंतीस से सैतीस पद को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसी रात में क्या हुआ उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर निकल कर और की छावनी में सूर्यो की छावनी में एक लाख पचासी हजार पुरुषों को मारा लाख पचासी हजार पुरुषों को मारा उसी रात में क्या हुआ उसी रात में क्या हुआ परमेश्वर का एक दूत आया एंड उस एक दूत में उस सेना के एक लाख पचासी हजार लोग को मर डाला और भोर को जब लोग उठे भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं शव पड़े हैं तब अशुर का राजा स्नेहरी चल जी, दिया जी, और लौट कर नीनवे में रहने लगा वहाँ वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था जी, कि अद्य और सरे सेर ने उसको तलवार से मारा उसको तलवार से मारा और आरा देश में भाग गए जी, तब उसका पुत्र ऐसे दोन उसके स्थान पर राज करने लगा नो you know, you know, कुछ लोग समझ से नहीं है इस बात को कि परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि परमेश्वर के विरोध में कोई समझ परमेश्वर के विरोध में कोई युक्ति काम नहीं करती यू नो कई बार लोग परमेश्वर के विरोध में आकर के लड़ने की कोशिश करते हैं। और वो भूल जाते इस बात को कि परमेश्वर से आकर के लड़ लड़ने कई बार परमेश्वर के कार्य को लोग रोकने की कोशिश करते कई बार उन सत्य को लोग रोकने की कोशिश करते हैं। कई बार उन चीजों को परमेश्वर के कार्यो को लोग रोकने की कोशिश करते हैं एंड जाते हैं कि वो दरअसल परमेश्वर से मुकाबला करने की कोशिश करे मेरे प्य परमेश्वर का वचन कहता है और ना सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है पर हमने परमेश्वर के वचन में और ना सिर्फ उसके वचन में पर अपने जीवनों में भी हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर के गेस में ना तो कोई बुद्धि है ना तो कोई युक्ति है और ना कोई प्लान है जो कि उसके गेंस में सफल होने पाता है घोड़े तो तो युद्ध के लिए तैयार तो किए जाते हैं पर कामयाबी खुदा की तरफ से आती है कामयाबी जो है वो परमेश्वर की तरफ से आती है बहुत बहुत बड़ी थी घमंड की बातें थी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी हे क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमको धोखा ना देने पाए कि वो तुमको बचा लेगा देखो मेरे पूर्वजों ने क्या किया देखो मैंने क्या किया क्या, क्या, -क्या, 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 -क्या किसी और देश का कोई भी परमेश्वर उनको बचा सका तुम इस धोखे में मत रहो कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो तुमको बचा लेगा यहाँ पे एक जन है जो कि घमंड में चूर है और इस बात को नहीं जानता कि यह के गैस में कोई बुद्धि नहीं है कोई युक्ति नहीं है कोई समझ है वो उसके गैस में कार्य नहीं करती मेरे हम एक बड़े सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते हमान ने भी इस बात की गलती की उसने युक्ति बनाई कि कैसे सारे यहूदियों को वो एक बार में खत्म कर दे और वो खंबा जो उसने खड़ा किया था जिसमें उसने प्लान किया था कि मर्दगी को वो लटकाएगा मर्दगी को फांसी देगा उसी खंबे के ऊपर उसकी मृत्यु होने पाती है और वो अपने आप को लटका लेता है मेरे प्रियो हम कितने हम हम इस कैसे परमेश्वर को देख रहे जो कि सामर्थ्य परमेश्वर उसके गेस में कोई युक्ति नहीं चलती फिर के बारे में ऐसा बयान है कि फिर नहीं चाहता था कि इसराइलियों को वो जाने दे फिर नहीं चाहता था कि वो इसराइलियों को जाने दे बार बार-बार उसका मन सख्त हो रहा था और बार बार कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा बार बार वो वो कोशिश कर रहा था फिर इसराइलियों को जाने नहीं देना मांगता था पर वो उनको रोक करके नहीं रख पाया पर वो उनको रोक करके नहीं रख पाया आपको मालूम क्यों इसलिए क्योंकि परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के लोगों के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है कोई समझ नहीं है कोई युक्ति नहीं है जो सफल होने पाए जो उसने तय किया है जो उसने कह दिया है जो उसने बोला है हम उन चीजों को अपने बीच में हम होते हुए हम देखते यू नो डैनियल जो था वो बिल्कुल चिंतित नहीं था अपने विरोधियों से उसके विरोधी चौबीसों घंटे बस इस फिराक में रहते थे कैसे डैनियल के जीवन में वो कुछ गड़बड़ देख ले और कैसे वो उसको नीचे गिरा सके पर डैनियल को परवाह नहीं थी डैनियल को फिक्र नहीं थी उसको मालूम था कि उसके परमेश्वर के गेस में उसके गेस में कोई बुद्धि नहीं है कोई समझ नहीं है कोई युक्ति नहीं है जो सफल होने पाएगी ये जो प्लान बना रहे बनाने दो घोले तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं पर कामयाबी खुदा की तरफ से आती है कामयाबी खुदा की तरफ से आती है एंड गॉड इज ऑन माय साइड और परमेश्वर जो है वो मेरी तरफ से चाहे ये कोई युक्ति बनाए चाहे ये कुछ जो करे परमेश्वर मेरे तरफ है आप मेरे साथ में एक पद को देखिए भजन संहिता 31 अध्याय तो देखेंगे हम लोग देखें। उसके आठ आठ से ग्यारह पद को देखेंगे देखें। जी सारी पृथ्वी के लोग सारी पृथ्वी के लोग ऐसी डरे यहाँ से डरे जगत के सब निवासी जगत के सब निवासी उसका भय माने जी क्योंकि जब उसने कहा क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया तब हो गया जब उसने आज्ञा दी जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया वास्तव में वैसे हो गया यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है देश देश के लोगों की कल्पनाओं को जी निष्फल कर यह हवा की युक्ति, युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी।, रहेगी उसके मन की कल्पनाएं, कल्पनाएं। पीढ़ी से पीढ़ी पी बनी रहेंगी बनी रहेंगी देर इज नो वेस्ट There is no wisdom. There is no insight. There is no plan that can work against the Lord. कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, कोई ऐसी युक्ति नहीं है, कोई ऐसी समझ नहीं है जो परमेश्वर के गैस में कार्य करने पाए। हम इसी अध्याय के 18 से 21 पद को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो यहोवा की दृष्टि देखो यहोवा की दृष्टि की दृष्टि डरवइयों पर उसके डरवइयों पर और उन पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी बनी रहती है। सदा बनी रहती है है सदा कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे और अकाल के समय उनको जीवित जीवित रखे हम यहोवा का आशरा देखते आए हैं हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं वो हमारा सहायक हमारा सहायक हमारा ढाल ठहरा है ढाल ठहरा है हमारा हृदय हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है नाम का भरोसा रखा है मैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई ऐसी युक्ति नहीं है कोई ऐसी बुद्धि नहीं है कोई ऐसा कानून नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि परमेश्वर के अगेंस्ट में कार्य करने पाए जो कि परमेश्वर के सामने आके खड़ी होने पाए जो कि परमेश्वर के, के कार्य को आ करके रोकने पाए परमेश्वर की आवाज सारी चीजों के ऊपर कार्य करती है जो उसने कहा वो हो करके रहता है मेरे जीवन का सबसे दुर्भाग्य के पूर्ण बात यह नहीं है कि आप मर जाएं जीवन के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि आप एक ऐसे जीवन को जिए जो कि बिगैर उद्देश्य का है जीवन के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि आप संसार में रह करके यीशु को ना जानने पाए और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आप उसको जानने के बावजूद भी आप एक हारे हुए जीवन को व्यतीत करने पाए मेरे प्य उसके गैस में कोई युक्ति नहीं है कोई बुद्धि नहीं है कोई प्लान नहीं है जो कि उसके गैस में करता जो उसने कहा है वो हो जाता है जो उसने कहा है और वो हो जाता है मेरे पो पर... मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत ही आवश्यक समय से होकर के गुजर रहे ये बहुत आवश्यक साल है जब नए साल शुरू किया था परमेश्वर ने कहा था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर दस बार ये अभी तक का यह हाल फिलहाल का सबसे आवश्यक साल है और हमने देखा कि जो बातें परमेश्वर ने साल के शुरू में कही थी हमने उन तमाम बातों को अपने बीच में होते हुए देखा वो सारी बातें जो परमेश्वर ने कही थी उन तमाम बातों को हमने अपने बीच में देखा हमने बड़े परिवर्तन को अपने बीच में आते आते हमने बड़ी को लोगों के जीवनों में देखा, बड़े चेंजेस को हमारे बीच में किया मेरे हमने देखा कि कैसे वो सेपरेशन आने पाया कैसे वो गांव आने पाया और हमने एकता को भी अपने बीच में आते हुए हमने देखा कैसे वो संबंध जो कि सालों से टूटे हुए थे वो वो रिश्ते जो कि सालों से टूटे हुए थे हमने उसमें सुधार को देखा हमने उसमें यूनिटी को देखा हमने उसमें पुनर्स्थापन को देखा कैसे चीजें वहां पे खूबसूरत होने पाए हमने देखा मेरे प्रियो कि कैसे कि कैसे लोग जो है कैसे फाइनेंशियल जो 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 जो, जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों की दिक्कत में नहीं पाई पैसे को लेकर के दिक्कत परमेश्वर ने साल के शुरू में कहा था पैसे को लेकर दिक्कत काफ़ी आएगी और हमने चीज़ों को देखा कि पैसे को लेकर पर कई लोगों के जीवन में बहुत सी दिक्कत आई और हमने इस बात को भी देखा कि कई लोगों के जीवन में उनको जॉब में बहुत प्रमोशन मिलने पाया और वो बहुत आगे की ओर वो जाने पाए हमने उन तमाम चीज़ों को अपने बीच में होते हुए देखा है और मेरे पे हमने देखा कि कैसे

जो कुछ परमेश्वर ने कहा था उन चीजों को हमने अपने बीच में पूरा होते हुए देखा मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रो ये बहुत ही आवश्यक साल है ये बहुत ही आवश्यक साल है यदि आप निराशा से संघर्ष कर रहे हैं यदि आप युद्धों में हैं, यदि आपको लग रहा है कि यह बहुत कठिन है सामने, सामने हमें ठहरना हो सकता है कि अपने चीजों में अपने जीवन में बड़े युद्धों को देख लो इम्पॉसिबल सिचुएशन को देख लो असंभव परिस्थितियों को हो सकता है आप अपने जीवन में

और उसने सब कुछ रिकवर किया और सब कुछ रिकवर किया और ना से सब कुछ वो वापस लेके आने पाया। पर बड़ी लूट के साथ में भी वो वापस आने पाया और उसी के बाद ही और उसी के बाद ही हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसके जीवन में बड़ा चेंज आता है और दाऊद सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठ जाता है हम जिन मोमेंट्स में चल रहे हैं हम जिन पलों में चल रहे मेरे पास ये वो समय है कि परमेश्वर अपने लोगों को अधिकार देना चाहते परमेश्वर अपने लोगों को राज देना चाहते ये युद्ध जिसमें आप है ये बैटल जिसमें अभी आप चल रहे ये इम्पॉसिबल सी लड़ेंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप था रहे आप ठेरे रहे परिवर्तन बस निकट ही है चेंज है वो बस अगले मोड़ के पर आप उन चीजों को अनुभव करने जा रहे हैं हम उस मौसम में आ चुके हैं जहां परिवर्तन आने जा रहा है हम उस चेंज को बहुत जल्द अपने बीच में हम महसूस करने जा रहे हैं तमाम भय को आप अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए तमाम भय को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए एंड जो कुछ परमेश्वर ने कहा है आप उसकी तरफ ध्यान दे परमेश्वर ने कहा है वेट लॉर्ड परमेश्वर के सामने हमें ठहरना है परमेश्वर के सामने हमें ठहरना है ना कई बार कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ठहरने का मतलब क्या होता है हम परमेश्वर के सामने कैसे ठहरते हैं यदि आपको किसी बात की टेंशन होती है यदि आपको किसी बात का दुख होता है यदि कोई उलझन होती है या कोई मान लीजिए कोई खुशी भी आपके जीवन में है तो क्या होता है हम भले कुछ कर रहे होते हैं वो टेंशन बनी रहती है हम कई बार अपने जीवन के बाकी कार्यों को भी कर रहे होते ऐसा नहीं होता कि टेंशन को लेकर के बस हम बैठे हुए और बाकी की चीज रुक जाती नहीं वो टेंशन है वो दुख है वो उलझन है हम अपने सारे कार्य को कर रहे होते हैं उसके साथ में वो प्रेशर बना रहता है वो दुख बना रहता है वो टेंशन बनी रहती है यदि खुशी की बात है तो भले हम कुछ कर रहे हो वो खुशी वो आनंद हमारे जीवन में वहीं पे बना रहता है बस इसी तरीके से हम परमेश्वर के सामने ठहरते हैं अपने सारे कामों को कर रहे होते हैं और उसके साथ में हम हमेशा उससे कनेक्टेड रहते हैं जैसे आप अपनी टेंशन से कनेक्टेड रहते हैं जैसे अपने दुखों से कनेक्टेड रहते हैं जैसे अपने पेन से कनेक्टेड रहते हैं जैसे अपने खुशी से कनेक्टेड आप रहते हैं उसी तरीके से हम बस परमेश्वर से जुड़े हुए हो होते हैं हम ढेर सारा समय उसके सामने बिताते हम एकांत एक में उसके सामने ठेरते हम खामोशी में उसके सामने ठेरते हम उपवास में जाते हम लंबा समय उसके साथ में बिताते हम उपवास रखते हम पर उसके साथ साथ अपने जीवन Dakar, के सारे और कार्यों को भी कर रहे होते हैं। पर जब हम उन कार्यों को कर रहे होते हैं जैसे टेंशन जीवन बनी रहती है जैसे बाकी के दुख जीवन बने रहते हैं वैसे ही हम उस युद्ध में हमेशा रहते हैं। हम कुछ भी कर रहे होते हैं हम परमेश्वर के सामने तो प्रभु ये वाला काम प्रभु ये वाली चीजें प्रभु ये वाला परिवर्तन प्रभु ये वाला ये वाला युद्ध हम जहां कहीं भी होते हम जो कुछ भी कर रहे होते वो युद्ध हमारे सामने होता है And ये वो है। ये वो होंगे वो श्रमित होने नहीं जा रहे पर वो नए बल को प्राप्त करने जा रहे और वो काबो की नाई जो है वो उड़ने जा रहे हैं मेरे प्यो मेरे प्यो बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के सामने ठहरे ये वो मोवमेंट है

बाहर निकाल दे और इस बात को आप जान ले परमेश्वर के कोई 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 युक्ति नहीं 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 है, कोई नहीं है, कोई समझ नहीं है बुद्धि समझ जो उसके में आकर के कार्य करती हो सकता है कि घोड़े युद्ध के लिए तैयार तो किए जा रहे हो पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कामयाबी परमेश्वर की तरफ से आती है कामयाबी परमेश्वर की तरफ से आती है और वो हमारी तरफ है और वो हमारी तरफ है और वो हमसे ये कह रहा है बस खामोश हो जाओ और मेरे सामने ठहरे रहो खामोश हो जाओ और मेरे सामने ठहरे रहो और मैं उनका कामों करने वाला हूं और मैं उनका कामों करने वाला हूं you, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्य उन युद्धों से आप डरे नहीं उन युद्धों से आप घबराएं नहीं इन युद्धों में आप निराश मत हो जाएं, इन युद्धों में आप हार नहीं जाएं, परमेश्वर के अगेंस्ट में कोई बुद्धि नहीं है कोई युक्ति नहीं है कोई समझ नहीं है जो कि उसके गेंस में कार्य करे उसने ठान लिया है कि अपने लोगों को आशीषित करेगा सो अपने लोगों को आशीषित करेगा प्रभु आपको आशीष दें अपनी आंखों को बंद करेंगे हम प्रार्थना करेंगे थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपका कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमारे पक्ष में प्रेम करते हैं और आप हमारे पक्ष में खड़े प्रभु हम इसलिए जीवन से कभी नहीं जाने पाए ओ पिता परमेश्वर जो ये युद्ध है ये हमको डराने नहीं पाए ये हमको घबराने नहीं पाए पिता परमेश्वर हम आसुए में ना जाने पाए लेकिन ही आओ बांधे हम ठेरे रहे और आपके आपका इंतजार करें प्रभु की छुटकारे को हमारे बीच में आप लेकर क्या प्रार्थना करना चाहते प्रभु अपने लोगों को आप सिखाएं कि आपके सामने ठहरा कैसे जा? प्रार्थना में आपके सामने ठहरा कैसे जाता? है? अपने लोगों को आप सिखाएं प्रभु ताकि ये में में प्रभु कहीं भी पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके लोग आपके नाम से पाए जाते प्रभु जोरावर होने पाए आपके सामने ठहरने पाए तमाम तमाम भय से बाहर निकलने पाए आपके पर विश्वास करने पाए आपके सामने ठहर नहीं पाए और प्रभु आप अपनी कली को मजबूत करें इन दिनों में जबकि हम पाप को जबकि हम दिक्कतों को जबकि हम और बातों को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ में देख रहे हैं चाहते प्रभु कि आपकी कली से सामर्थ्य रूप में आकर के खड़ी होने पर अपने हाथ को बढ़ा के अपने लोगों को छुए और आप उनको के भीतरी मृत में आप सामर्थ को ले ताकि वो बल को प्राप्त करके आगे की ओर

Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. People bless you. God James -Siki.